नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। हम ज्योग्राफिकल थॉट को लेकर ये सीरीज चला रहे हैं। हमने काफ़ी ज्योग्राफर को पढ़ लिया था, अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप कोई कंटेंट चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके उन सुझावों पर और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फ्रेड हेटनर के बारे में आज पढ़ते हैं। ज्योग्राफर अल्फ्रेड हेटनर, अल्फ्रेड हेटनर, इनका सबसे पहले अपन टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड 1859 टू 1941। अल्फ्रेड हेटनर 1859-1941। हेटनर को जर्मन में नूतन भूगोल के विकास, नूतन का मतलब होता है नया, नूतन भूगोल के विकास का प्रेरणा स्रोत माना जाता है जर्मन में, ठीक है। अब 1895 से 1940 के मध्य इन्होंने पत्रिका का प्रकाशन करवाया, ज्योग्राफी की जयती स्क्रिप्ट, ये जो है इनकी है, ये पत्रिका कह सकते हैं, इस पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने करवाया ये 1895 टू 1940 के मध्य। और इन्होंने साथ में भौगोलिक विधि तंत्र पर अनेक शोध पत्र लिखे थे। भौगोलिक विधि तंत्र पर इन्होंने अनेक शोध पत्र लिखे थे 1895 से 1940 के मध्य। फिर बात करते हैं 1881 में स्ट्रेसबर्ग में गर्लैंड के निर्देशन में चिली की जलवायु पर शोध कार्य किया, और इसी कार्य पर उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई किन पर इन्होंने शोध कार्य किया? चिली की जलवायु पर। किसकी जलवायु पर? चिली की जलवायु पर इन्होंने शोध कार्य किया और इसी कार्य पर उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। फिर 1881 में पश्चिमी पेंटागोनिया की जलवायु का प्रकाशन इन्होंने, जलवायु पश्चिमी पेंटागोनिया के जो है जलवायु, उस पर भी इन्होंने प्रकाशन निकाला या प्रकाशन किया। फिर 1882 में ब्रिटिश राजदूत के व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में ये रहे थे, ब्रिटिश राजदूत के व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में भी ये रहे। 1888 में कोलंबियन एंड्रीज की यात्राएं प्रकाशित हुई। 1888 में कोलंबियन एंड्रीज की यात्राएं प्रकाशित हुई। इनके बारे में और इनकी संदर्भ में बात करें, रचनाएं ग्रंथ के बारे में देखें तो 1927 में ज्योग्राफी इट्स हिस्ट्री करेक्टर एंड मेथड्स, ये इनकी पुस्तक है। उसके बाद 1921 सरफेस फॉर्म्स एंड कॉन्टिनेंट्स, ये इनकी पुस्तक है, फिर ग्रंथ है ये। 1928 स्पिरिट ऑफ कल्चर ओवर द अर्थ, ये भी इनका ग्रंथ है। फिर 1907 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप, ये भी इनका ग्रंथ है। 1933 टू 35 कंपरेटिव रीजनल ज्योग्राफी। फिर 1915 में इंग्लैंड वर्ल्ड डोमिनेशन एंड द वार, ये भी इनका ग्रंथ है। और 1915 में ही ज्योग्राफी ऑफ मैन प्रकाशित हुई इनकी। अब बात करते हैं हेटनर और रिच थोपन में थोड़ी सी समानताएं, इनको देखते हैं। एक तो यहाँ दो ज्योग्राफर को देखते हैं अपन, हेटनर और रिच थोपन में मान्यता है, इनकी समानताएं कुछ कुछ बातों में, कुछ कुछ विचारधाराओं में। तो देखते हैं कौन किस किस बीच में इनकी समानता है, किस कंटेंट को लेकर, किस विषय वस्तु को लेकर इनमें समानता है, विषय को लेकर देखते हैं। सबसे पहली बात, ये दोनों भूगोल में द्वैतवाद के समर्थक हैं। भूगोल में द्वैतवाद, ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। तो रिच थोपन ने द्वैतवाद यानी कि दो डिफरेंस बताए, दो प्रकार बताए, दो भागों में डिवाइड किया भूगोल को, किसमें? सामान्य भूगोल और पारदर्शिक भूगोल। द्वैतवाद में क्या दो रूप, यानी कि द्वैतवाद में कौन कौन से रूप बताए? एक तो सामान्य भूगोल बता दिया रिच थोपन ने, दूसरा बताया पारदर्शिक भूगोल। अब हेटनर ने क्या क्या, हेटनर ने पहला जो बताया डिवाइड इन्होंने भी दो में किया, पारदर्शिक भूगोल और सामान्य भूगोल रिच थोपन हो गए। उसके बाद हेटनर ने भौतिक भूगोल और पारदर्शिक भूगोल, जिसको पारदर्शिक भूगोल को हेटनर ने विशिष्ट भूगोल भी कहा, ठीक है।
हेटनर ने भौतिक भूगोल, पारदर्शी भूगोल, पारदर्शी भूगोल या विशिष्ट भूगोल कह सकते हैं। हेटनर ने इसमें ड्यूलिज्म को दो भागों में इसमें बांटा इस विचारधारा को, और रिच टोपर ने सामान्य भूगोल और पारदर्शी भूगोल के अंतर्गत बांटा। फिर बात करते हैं दोनों की समानताओं के संदर्भ में, देखें क्षेत्रीय विभिन्नताएं दोनों में समानता है, क्षेत्रीय विभिन्नता को लेकर भी थी इनका अध्ययन, क्षेत्र विभिन्नताओं को लेकर भी था एरियल डिफरेंसेस। भौगोलिक एकता यूनिटी ऑफ नेचर, यूनिटी ऑफ नेचर के संदर्भ में भी इनकी एक सी विचारधारा रही थी। मनुष्य वो प्रकृति के मिलने से ही पूर्ण भौगोलिक अध्ययन होता है। हेटनर क्या कहते हैं कि मनुष्य वो प्रकृति के मिलने से क्या होता है, पूर्ण भौगोलिक अध्ययन होता है। नियतिवाद, नियतिवाद डिटरमाइनिज्म, ये जो है नियतिवाद, ये प्रकृति के अनुकूल ही मनुष्य कार्य करता है। हेटनर कहते हैं कि प्रकृति के अनुकूल ही मनुष्य कार्य करता है, यानी कि ये नियतिवाद के समर्थक थे। यानी प्रबल किसको बताया, या प्रकृति को, प्रकृति को प्रबल बनाने यानी नियतिवाद। फिर बात करते हैं खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र के संदर्भ में इनके क्या विचारधारा थी वो देखें। एस्ट्रोनॉमी के संदर्भ में देखें दोनों ही भूगोलवेत्ता, कौन कौन, दोनों ही भूगोलवेत्ता हेटनर और रिच टोपन, दोनों की समानता की बात हो रही है याद रखिएगा। हेटनर और रिच टोपन के संदर्भ में देखें तो दोनों ही भूगोलवेत्ता जो है पृथ्वी सूर्य तथा यह बात करें वो अन्य ग्रह तारों के अध्ययन को खगोल विज्ञान से संबंधित मानते थे। ये दोनों भूगोलवेत्ता कौन कौन से, हेटनर और रिच टोपन, ये दोनों भूगोलवेत्ता जो है पृथ्वी सूर्य और अन्य ग्रह जो है तारों के अध्ययन को खगोल विज्ञान से संबंधित मानते हैं। भूगोल के अंतर्गत हमें धरातल पर क्षेत्रीय वितरण का ही अध्ययन करना चाहिए, कहते हैं कि धरातल पर जो है ना क्षेत्रीय वितरण का ही अध्ययन करना चाहिए, ये कहते हैं हेटनर और रिच टोपन। अब देखिएगा ये तो समानता की बात अपन ने कर ली, समानता के संदर्भ में अपन ने क्या क्या देखा, इनमें समानता किस किस को लेकर है, समानता इनमें भूगोल में द्वैतवाद को लेकर है, क्षेत्रीय विभिन्नताओं को लेकर है, भौगोलिक एकता को लेकर है, नियतिवाद को लेकर है और खगोल शास्त्र को लेकर है। अब देखते हैं हेटनर और रिच टोपन के विचारों में असमानता किस संदर्भ में, दोनों में अब असमानताएँ हैं ठीक है ना। अब अलग अलग विचारधारा है यहाँ देखिएगा, अपने समानता की बात की, अब करते हैं असमानता है, दोनों के विचारों में असमानता कहाँ कहाँ है वो देखते हैं कि दोनों के विचारों में असमानता कहाँ कहाँ है। चलिए देखते हैं फिर, पहले बात करें अपन सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल के संदर्भ में देखें तो दोनों के विचारों में असमानताएँ कहाँ आती है, सामान्य भूगोल के संदर्भ में असमानताएँ कहाँ आती है वो देखते हैं। अब हेटनर, हेटनर के संदर्भ में देखें तो हेटनर ने सामान्य भूगोल के अंतर्गत विश्व के, देखिएगा हेटनर ने सामान्य भूगोल के अंतर्गत विश्व से उत्पन्न होने वाली एकाकी परिघटनाओं के अध्ययन को सम्मिलित किया। एकाकी परिघटनाओं को अध्ययन को शामिल करता है कौन करता है, हेटनर करता है, किसके, सामान्य भूगोल के अंतर्गत, याद रखिएगा सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाओं को शामिल करता है हेटनर याद करिएगा। सबसे पहली बात एकाकी परिघटना के अध्ययन को सम्मिलित करता है, फिर जलवायु कारक, तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता का मानचित्र, ये भी सामान्य भूगोल के अंतर्गत शामिल करता है। फिर बात करें रिच टोपन, दूसरी तरफ रिच टोपन देखते हैं अपन सामान्य भूगोल के अंतर्गत। अब सामान्य भूगोल के अंतर्गत अभी ये सामान्य भूगोल का है ना, रिच टोपन क्या है इसका, ये आलोचक है, ये इसने आलोचना की जो हेटनर ने दिया ना सामान्य भूगोल में जो जो विषय वस्तु शामिल की, इसकी आलोचना किसने की, रिच टोपन ने। अब रिच टोपन जो है सामान्य भूगोल में क्या क्या शामिल करता देखे, सामान्य भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नताओं का सामान्यकरण बहुत सरलता से कर दिया जाता है। इन्होंने आलोचना की कि जो है सामान्य भूगोल में जो है क्षेत्रीय विभिन्नताएँ जो है रीजनल डिफरेंसेस जो है उसका सामान्यकरण जो है बहुत सरलता से कर दिया जाता है, ये कौन कहता है, ये रिच टोपन कहता है, जिससे विशिष्ट क्षेत्रीय परिघटनाओं का आभास नहीं होता। इन्होंने कहा जो क्षेत्रीय विभिन्नता है ना उनका सामान्यकरण हम बहुत जनरली कर देते हैं, बहुत इजी वे कर देते हैं, बहुत सरलता के साथ कर देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ की अगर विशिष्ट कोई परिघटना है, वहाँ उस क्षेत्र की कोई विशेष घटना क्षेत्र है, वहाँ कोई क्षेत्र है जहाँ स्पेशल प्रकृति की दृष्टि से कुछ स्पेशल हो, विशेष हो, उस घटना का आभास नहीं होता, ये कौन कहते हैं, ये आपके कहते हैं रिच टोपन। फिर करते हैं बात अपन पारदर्शी भूगोल को लेकर, पारदर्शी भूगोल के संदर्भ में देखें तो
अब फिर बात करते हैं कि हेटनर का क्या विचार था पारदर्शी भूगोल के संदर्भ में, दूसरा फिर देखते हैं रिस्तोफन का। हेटनर को देखें, हेटनर पारदर्शिक भूगोल के महान समर्थक थे। हेटनर एक तरफ महान समर्थक थे किसके, पारदर्शिक भूगोल के, रीजनल ज्योग्राफी के। दूसरी बात, इन्होंने तुलनात्मक स्वरूप प्रस्तुत इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया कि जो है ना पारदर्शिक भूगोल का तुलनात्मक स्वरूप प्रस्तुत करना, इनका ये विचार था। अब बात करते हैं रिस्तोफन दूसरी तरफ, पारदर्शिक भूगोल के संदर्भ में रिस्तोफन के जो है क्या विचार थे देखें। प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर, देखिएगा, प्राकृतिक प्रदेशों को आधार मानते हुए पारदर्शिक भूगोल पर इन्होंने जोड़ दिया। प्राकृतिक जो प्रदेश है, नेचुरल रीजन जो है, उनको बेस बनाते हुए क्या करना, रीजनल ज्योग्राफी पर इन्होंने जोर दिया। अब दूसरी तरफ देखिए, मानव भूगोल की विचारधाराओं के संदर्भ में देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेंस है, विचारधाराओं को लेकर देखते हैं क्या समानता है उनके विचारों में। हेटनर क्या कहते हैं, ये हेटनर जो थे मानव भूगोल शास्त्री थे, मानव भूगोल शास्त्री थे। कौन, हेटनर, मानव भूगोल के संदर्भ में बात हो रही है। और एक ये रिस्तोफन, रिस्तोफन क्या थे, रिस्तोफन थे भौतिक भूगोल शास्त्री। ये भौतिक भूगोल शास्त्री थे रिस्तोफन, दूसरी तरफ मानव भूगोल शास्त्री है आपके हेटनर। तो हमने समानता भी देख ली, असमानता भी देख ली, किसके संदर्भ में देखी, रिस्तोफन और हेटनर के संदर्भ में देखी अपन ने, समानताएं और असमानताएं। तो दोस्तों अल्फ्रेड हेटनर के बारे में हमने इतनी सी बात की, ज़्यादा इनके बारे में लंबा है नहीं कुछ मैटर, तो हमने थोड़ी सी संक्षिप्त में बात की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये कंटेंट UGC नेट को लेकर, UPSC को लेकर, जिसमें भी ज्योग्राफी का थॉट का सिलेबस है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। अगर ऐसा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आइए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपने सुझाव। नमस्कार।